गुलबर्गा कॉरपोरेशन जीबी मीटिंग के दौरान रोजा वेलफेयर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट नईम खान ने शहर में बढ़ रहे आवारा कुत्तों के आतंक के खिलाफ फिर एक बार हंगामे एहतजाज किया है। गुलबर्गा शहर में हर आए दिन आवारा कुत्ते छोटे मासूम बच्चों से लेकर बड़े बुजुर्गों को अपना शिकार बना रहे हैं। कुछ दिन पहले नईम खान ने कॉरपोरेशन ऑफिस के चैम्बर में घुसकर ऑफिशियल्स के सामने गुस्सा जाहिर कर आवारा कुत्तों का सफाया करने का मुतालबा किया था, लेकिन अफसोस इसके बावजूद हर रोज आवारा कुत्ते गली मोहल्ले में आने जाने वालों पर हमला कर रहे हैं। जीबी मीटिंग के दौरान नईम खान ने आवारा कुत्तों का शिकार हुए गरीब मजदूर को अपने साथ लेकर आया है। इस मजदूर का नाम अर्जुन राठौड़ है, जो गांव से लेबर काम के लिए गुलबर्गा आया था और दरगाह एरिया में 5 कुत्तों ने हमला कर बुरी तरह जख्मी कर दिया है। और सबसे बड़ी अफसोस की बात यह है कि जब इस मजदूर को जिम्स हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट के लिए ले जाया गया तो आधार कार्ड न होने की वजह से जिम्स हॉस्पिटल में इसका इलाज नहीं किया गया। आवारा कुत्तों के हमले के 24 घंटों में जख्मी हुए मरीज को इंजेक्शन लगाना जरूरी होता है, वरना कुत्तों की तरह भौंक कर इंसान की मौत हो सकती है। लेकिन सिर्फ आधार कार्ड न होने की वजह से इस गरीब को जिम्स हॉस्पिटल में इंजेक्शन नहीं लगाया गया। जब इस बात की खबर नईम खान को मिली तो इंसानियत के नाते अर्जुन राठौड़ का एक प्राइवेट हॉस्पिटल में नईम खान ने इलाज करवाया है। जो काम एडमिनिस्ट्रेशन को करना चाहिए था वो काम आज रोजा वेलफेयर एसोसिएशन के जरिए नईम खान ने किया है। जीबी मीटिंग के दौरान एहतजाज कर नईम खान ने आवारा कुत्तों का शिकार हुए तमाम लोगों को 2 लाख रुपया कंपनसेशन देने का मुतालबा कर जल्द शहर से आवारा कुत्तों का सफाया करने की मांग की है। नाराजगी जाहिर कर नईम खान ने मेमोरेंडम के जरिए कहा, अगर इस एहतजाज के बाद एक्शन नहीं लिया गया तो कानून के मुताबिक कॉरपोरेशन के खिलाफ लीगल एक्शन लिया जाएगा। दिस वीडियो प्रेजेंटेड बाय मनूर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, हाईली क्वालिफाइड एंड वेल एक्सपीरियंस डॉक्टर्स टीम फॉर इमरजेंसी एंड ट्रॉमा केयर 24/7 एट बारे हिल सर्कल रिंग रोड गुलबर्गा। दिकारा, दिकारा। कुत्ते हटाओ, बच्चे बचाओ। कुत्ते हटाओ, बच्चे बचाओ। कुत्ते हटाओ, बच्चे बचाओ। दिकारा, दिकारा। कॉर्पोरेशन कमिश्नर दिकारा। दिकारा, दिकारा। कॉर्पोरेशन कमिश्नर दिकारा। हमारी मांगे पूरी करो, वरनागुर से खाली करो। हमारी मांगे पूरी करो, वरनागुर से खाली करो। पिछले 5 साल से रोजा वेलफेयर एसोसिएशन इस कुत्ते काटने के इश्यू पे जो है ना काम कर रही है। 5 साल पहले सीरियल वाइज जो है ना एक ही दिन में 30 कुत्ते काटे थे, तो ये कॉर्पोरेशन में जो है ना 20,000 रुपये कंपनसेशन दिया गया कि 5 साल से आज तक के रिकॉर्ड में सैकड़ों जो है ना कुत्ते काटे हैं बच्चों को, जिस पे जो है ना कॉर्पोरेशन कमिश्नर से लेकर पूरा कॉर्पोरेशन जो है ना आज तक कोई ऐसा ही एक्शन नहीं लिया उसके ऊपर। हमारे जो है ना गुलबर्गा जो है ना कॉर्पोरेशन से, कमिश्नर से, डिपार्टमेंट से डिमांड है कि जो है ना हमेशा जो है ना कुत्ते इतने बढ़ गए हैं जो है ना बच्चे जो है ना घर से निकलना मुश्किल होकर बैठे हैं। हर गली हर मोहल्ले में जो है ना 50-50 कुत्तों का जो है ना झुंड है, उस पर जो है ना कॉर्पोरेशन जो है ना आँख बंद कर कर बैठा है। हाँ, परसों जो है ना ये बच्चे को अर्जुन राठौड़ जो है ना जो एक लेबर है, इसकी माँ कहाँ है, इसकी माँ और इसके भाई 5 लेबर जो है ना काम करने, रोड का काम करना लेबर काम करने आते हैं, वो पेशाब को अगर गया तो जो है ना उसको जो है ना कुत्ते 5 कुत्ते जो है ना दरगाह रोड पर लेना लगते उसको वार्ड नंबर 20 में। हाँ, जो है ना इसको जो है ना गवर्नमेंट हॉस्पिटल में गए तो आधार कार्ड नहीं है बोलकर जो है ना उसके ऊपर जो है ना इंजेक्शन नहीं दिया उसको। रोजा वेलफेयर एसोसिएशन मई जो है ना उसको ले जाकर जो है ना 11 तारीख को, 13 तारीख को, 18 तारीख को इंजेक्शन दिलाया। अगर कुत्ता काट रहा है, अगर 24 घंटे में अगर उसको इंजेक्शन नहीं दिए तो जो है ना वो पागल कुत्ते की तरह वो भी पकड़ता। हाँ, एरिया दरगाह एरिया वार्ड नंबर 20 में इसको कुत्ता काटा। ऐसा लगातार MS की मेल में भी जो है ना परसों जो है ना छोटे मासूम दो साल के बच्चे को कुत्ता काटा। हाँ, 2 साल के बच्चे को कुत्ता काटा, उसकी माँ जो है ना डिलीवरी से यादगिर में है उसकी। हाँ, जो बच्चा जो है ना यहाँ दादी के पास है, बच्चे को यहाँ से जो है ना इंजेक्शन लेकर जो है ना यादगिर ले जाकर बढ़ना माँ के पास छोड़ना पड़ रहा है। आवाम इतना तकलीफ उठा रही है, यहाँ कॉर्पोरेशन कमिश्नर जो है ना उनको जू नहीं रंग रही उनको। हमारे डिमांड करने पर, हमारा गुस्सा इजहार करने पर हमको जो है ना कमिश्नर जो है ना मुझको FIR करने की मेरे को धमकी देता है। हम आवाम के लिए आवाज़ उठाते हैं, इसको जो है ना 3 बार ले जाकर मैं मेरे जेब के पैसों से प्राइवेट हॉस्पिटल में जो है ना इंजेक्शन दिलाया इसको।
हम आवाम के लिए काम कर रहे हैं और एफ आई आर हम पे जो है ना करतुम को बोलता है कमिश्नर, हमारी डिमांड पे इलीगल जो है ना तुम जो है ना वहाँ पे कॉर्पोरेशन में जो है ना कॉर्पोरेशन ऑफिसर से जो है ना गलत जो है ना लहजे में बात करे बोलकर जो है ना हमको बोल रहा है, हमारे गुस्सा दिख रहा है लेकिन ये आवाम को जो तकलीफ हो रही है वो तकलीफ को जो है ना समझ रहे हैं कमिश्नर। हमारी डिमांड है शहर भर से जो है ना पूरे कुत्ते यहाँ से ले जाकर उनको जो है ना क्या इंसुलेशन देना है देकर उनके नसबंदी कर कर जो है ना उनको ले जाकर शहर के बाहर करना, क्योंकि इतना जो है ना तादाद में कुत्ते हो गए हैं आने वाले दिन में जो है ना रोडों पे जो है ना पब्लिक से ज़्यादा कुत्ते नजर आएंगे, लेकिन कॉर्पोरेशन कमिश्नर थोड़ा भी जो है ना उसके ऊपर नहीं कर रहा है। मेरी जो है ना इंचार्ज मिनिस्टर प्रियंक खर के हिसाब से जो है ना डिमांड है मेरी कि एक एक कुत्ते जो जो बच्चों को जो काटा है वो बच्चों को जो है ना दो दो लाख रुपये कंपनसेशन देना, ये लेबर आदमी क्या करेंगे इसको, इसको रोज हज़ार रुपये खर्चा मैं देकर भेज रहा हूँ इसको, मैं गाँव से आ रहे हैं लोग जो है ना उसका जरा भी जो है ना लोग क्या तकलीफ में है ये थोड़ा भी जो है ना कमिश्नर साहब नहीं समझ रहे और बोलने पे हमको एफ आई आर करते बोल रहे हैं। हमारा प्रियंक खड़गे साहब से और पूरे कॉर्पोरेटर से और पूरे मेयर से जो है ना हमारी अपील है कि जो है ना जो भी अगर यहाँ पे जो कॉर्पोरेशन कमिश्नर जो है ना एक्शन नहीं ले रहा उनके ऊपर सख्त एक्शन लेना, अगर प्रियंक खड़गे साहब इनके ऊपर एक्शन लेना अगर यहाँ पे काम नहीं करने वालों को कॉर्पोरेशन वालों को पूरों को जो है ना यहाँ से जो है ना उनका ट्रांसफर करो या उनको सस्पेंड करो यहाँ से, क्योंकि आवाम के लिए अगर काम नहीं करते तो यहाँ पे बैठने का उनको इख्तियार नहीं है। अगर हम बोलते हैं हमको एफ आई आर करते हैं बोलते हम पे 10 एफ आई आर करो हमको कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन पब्लिक की तकलीफ हम नहीं देखेंगे, हम पब्लिक की तकलीफ नहीं दे सकते, हम पब्लिक की तकलीफ को जो है ना आकर हम बराबर यहाँ पे बोलेंगे, हमारा हक है। अगर ये काम नहीं कर रहे तो हमारे लिए बैठे, अगर ये हमारे लिए काम नहीं करते तो यहाँ बैठना बेकार है ना, कुर्सी खाली कर देना, हमको कानून के दायरे में काम करो बोले तो जो है ना काम नहीं होता। आप ये आवाम के लिए गरीब ये लेबर आदमी है गाँव से आते काम करने में इसके ऊपर अटैक करा, इसके साथ इसकी माँ है कहाँ से ये 4-5 दिन से अपने काम धंधे लेबर काम छोड़कर उसको इंजेक्शन दिलाने आ रहे हैं, 24 घंटे में इंजेक्शन लेना है सब, उसको अभी तक जो है ना वहाँ पे इंजेक्शन नहीं दिए तो हम लग जाकर इंजेक्शन दिले सब, तो लोग ने लोग इतनी तकलीफें उठा रहे हैं तो कमिश्नर क्या एक्शन ले रहा है इसके ऊपर, आपके ऊपर एक्शन लिया जाएगा क्या लेंगे सब आपका जो मेमोरेंडम दिए उसके ऊपर डिस्कशन होके आप एक्शन लिया जाएगा। 3 दिन बच्चे को छोटे बच्चे को 2 साल के बच्चे को ये 2 साल का 2 साल के छोटे बच्चे को 3 दिन लेके फिर हम डेली यहाँ से गुलमर्ग से इलाज करके यादगीर लग जाए के घड़ी घड़ी उसके ऊपर एक्शन नहीं हो रहा, उसका अगर देखेंगे दे सकते इसको ना इसको पट्टी बन सकते इसको, हाँ खाली इंजेक्शन लेना होगा मगर आप डिमांड नहीं लीगली तरीके से बोल रहा हूँ, इलीगल आपको डरा धमका के नहीं बोल रहा, मैं कानून में है कंपनसेशन देना है, हाँ तो देना साहब हमको 2,000-20,000 रुपए देकर हमारे को तपक कर बिठा रहे कुत्तों को जो है ना खुल्लम खुल्ला भेज रहे, ना उनका वेंटिलेशन हो रहा ना उनको जो है ना ले जाकर यहाँ से शहर से बाहर कर रहे ना उनको उठा रहे, हाँ साहब पूरा कुत्ता गुलबर्ग से जितना कुत्ता है उठाकर उसका टेंडर करना सब करप्ट है, यहाँ पे ऑफिसर से लेकर पूरे उसका टेंडर लेने वाले गुत्तेदार तक पूरे करप्ट है, हजारों लाखों करोड़ों रुपए जो है ना गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट जो है ना इस पे जो है ना डाल रही है लेकिन खाकर बैठ रहे वो कुत्तों के ऊपर जो है ना कुछ एक्शन नहीं ले रहे सर, और जो है तकलीफें बता रहा हूँ मैं मीडिया के तौर पब्लिक को भी मालूम होने दे ऑफिसर को भी मालूम होने दे, 5 साल का बच्चा खमर का इस्लामाबाद कॉलोनी का कुत्ते उसको पीट लगे भाग गया घर में उन्हें बच गया, लेकिन उन ऐसी तरह बुरी तरह दहशत में जो है ना घबरा गया सो है बच्चा गोरा 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 बच्चा जाकर जो है ना काला काला हो गया सर, पूरा डर खौफ में आ गया सर बच्चा, लोग दहशत में जी रहे हैं आप जरा तकलीफ को समझो, आपका तकलीफ आप समझ रहे हैं, आप बोले हैं मेमोरेंडम दिए इसके ऊपर ये करेंगे कानून के, मैं पूरे मीडिया के सामने बोलो साहब अगर एक्शन ले लेंगे मैं चाहे मिनिस्टर लेवल पर हंदे चाहे कॉर्पोरेशन हंदे मैं इशू को ये पूरा मुकम्मल करे तक छोड़ूंगा ना। This video presented by Manur Multi Speciality Hospital, highly qualified and well experienced doctors team for emergency and trauma care 24/7 at Bale Hill Circle Ring Road, Gulbarga.